क्रिकेट टूर्नामेंट में अकोना बनी विजेता। अब खबरें विस्तार से। ओरछा रोड थाने में नारी सम्मान अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारी सम्मान अभियान का शुभारंभ किया। वही नारा दिया, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। नारी सम्मान अभियान के तहत छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में ओरछा रोड थाने परिसर में नारी सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस स्टाफ के अलावा महिलाओं के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि सोशल मीडिया हो या सामाजिक जीवन में असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की छेड़खानी या गलत व्यवहार करे तो फौरन ही इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, उस पर आवाज ना उठाए। ये समाज के लिए सोचने की बात है। एक चर्चा की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, जिससे जिस नजरिए से हम इन चीजों को देखते हैं वो बदला जा सके। सबसे पहले जो घरों में बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको समझाना जरूरी है कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। जैसा व्यवहार वो अपनी माता के साथ, बहन के साथ करते हैं, वही व्यवहार उनका घर से निकलने के बाद सड़क पे, स्कूल में जो उनके साथ पढ़ रही हैं, जो उनके साथ काम कर रही हैं, उनके साथ होना चाहिए। जब तक ये बदलाव माताओं के माध्यम से उन लड़कों में नहीं आता है, तब तक समाज में बदलाव की उम्मीद भी मुश्किल है। इसीलिए ये सम्मान अभियान है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है आवाज उठाना। भगवा क्रिकेट टूर्नामेंट में अकोना बनी विजेता। छतरपुर जिले के राजनगर जनपद के ग्राम भगवा में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया, जिसमें ग्राम अकोना ने फाइनल मैच जीता और भगवा टीम उप विजेता रही। समापन के इस अवसर पर समाज सेवी बबलू पटेल अतिथि के रूप में पहुंचे और कमेटी को बबलू पटेल ने सहयोग के रूप में 2100 रुपए दिए। इसके साथ ही नए साल की सभी लोगों के साथ सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। समाज सेवी बबलू पटेल ने कहा कि गांव और कमेटी के लोग जो भी सहयोग के लिए कहेंगे उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। वही खिलाड़ियों को कहा कि हमेशा खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। और ऑफसाइड की दिशा में, लॉकडाउन की दिशा में खेला गया है। जब तक किसी का खेल रहेगा एक दिन आसानी से निकल जाएगा। द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा क्या होगा देखते हैं। ठीक है, इधर खेलने का और अपना प्रदर्शन दिखाने का, और हमारे साथी खिलाड़ियों ने सुबह में कुछ क्रिकेट खेल गए, लेकिन हमारे सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया।